मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। आज जो है मैं आपको रस खान के बारे में बताऊंगी। इससे पहले वीडियो में भी मैंने थोड़ी जानकारी आपको रस खान जी के बारे में दी थी। तो आज का यानी कि टॉपिक है हमारा 9th क्लास में रस खान जीवन परिचय, जो कि एक ये कवि के रूप में उभरे थे रस खान जी। तो ये जो है रस खान जी कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित है। इन्होंने जो है कृष्ण भक्ति के बारे में अपनी अनेक कविताएं और जो है उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं। तो रस खान जी जो है कृष्ण भक्ति काव्य के सुप्रसिद्ध कवि हैं, जिनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें जो है सबसे पहले हम जीवन परिचय के बारे में बताते हैं। 1548 ईस्वी में कब बताएं इनका जन्म, 1548 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था। तो उसके बाद जो है रस खान की शिक्षा दीक्षा के बारे में, यानी कि इनकी जो है शिक्षा दीक्षा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी जाती है। और जो है इनके जो है ये इनके शिष्य जो है इनको शिष्य के रूप में किसने बनाया था, तो इसमें थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दी गई थी। इनके इन्हें जो है ये किस राजवंश से थे, थोड़ा सा मैं इसके बारे में स्टार्टिंग से आपको बताना चाहूँगी। रस खान कृष्ण भक्ति काव्यधारा के जो है बेटा सुप्रसिद्ध कवि हैं, जिनका जन्म सन 1548 ईस्वी के राजवंश से संबंधित एक समृद्ध परिवार में हुआ था और पठान परिवार में हुआ था। और ये जो है दिल्ली में हुआ था, इनका एक जन्म जो है ये पठान के परिवार में दिल्ली में हुआ था, जो राजाओं से राजवंश से संबंधित इनका परिवार था। इनका मूल नाम जो था सैयद इब्राहिम था और श्री कृष्ण की भक्ति के कारण भक्तजन इन्हें रस खान कहने लगे थे, क्योंकि ये श्री कृष्ण जी की भक्ति से परिपूर्ण थे, उनके गीत गाते थे, उनके भजन गाते थे, तो यानी कि श्री कृष्ण जी के रस में ये मिल गए थे। तो इसलिए जो है इन्हें भक्त लोग जो हैं इनके भजन सुनने वाले, इनके गीत सुनने वाले इनको रस खान के नाम से जानने लगे थे, इनका नाम जो है एक रस खान कहने लगे थे। इनकी भक्ति भावना के कारण गोस्वामी विट्ठल ने जो है इन्हें अपना शिष्य भी बना लिया था। जैसे मैंने पहले जानकारी दी कि इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में कोई जानकारी इतनी नहीं दी गई है, तो ये ही दिया गया है कि विट्ठल गोस्वामी विट्ठल दास ने जो है इनको अपने शिष्य बनाया था। तब जो है ये ब्रजभूमि में ही जा बसे थे और ये जीवन भर वहीं रहे। कहाँ पर? ब्रजभूमि में ही रहे जीवन भर। क्यों रहे? क्योंकि ये श्री कृष्ण की भक्ति के साथ साथ जो है ब्रजभूमि का भी के बारे में भी निहारना चाहते थे, उनको उतारना चाहते थे, उनको देखना चाहते थे, उनको आत्मा में बसाना चाहते थे। यानी कि जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था उसकी भूमि से भी जो है रस खान जी को अत्यंत प्रेम था। तो उन्होंने इसी प्रकार ब्रजभूमि में जा बसे थे और ये जीवन भर वहीं पर रहे। और सन 1628 के लगभग इनका जो है मृत्यु भी हो जाती है। कौन से सन में हुए थे? 1548 में हुए थे। रस खान ने रीतिकालीन कवि थे, ये प्रेम स्वभाव के थे। वैष्णवों को जो है सत्संग उपदेशों के कारण इनका प्रेम लौकिक से अलौकिक हो गया था और ये कृष्ण और उनके लीला भूमि ब्रज की जो है प्रकृति की सुंदरता में मुग्ध हो गए थे। इनकी प्रकृति की सुंदरता इतनी मनोहर लगती थी इन्हें ब्रज भूमि की, तो उसमें जो है बेटा ये लीन हो गए थे। रस खान के द्वारा जो है दो रचनाएं प्राप्त हुई है, जो उनकी जो है कौन कौन सी रचनाएं हैं? सुजान रस खान और प्रेम वाटिका। सुजान इसकी कौन सी है? सुजान रस खान और प्रेम वाटिका, इनकी जो है ये प्रमुख दो रचनाएं प्रकाशित हुई है प्रेम वाटिका। तो इसकी यानी कि रस खान जी की ये दो प्रमुख रचनाएं विख्यात हुई हैं, एक तरीके से बेटा प्रसिद्ध हुई हैं। रस खान
रचनावली के नाम से जो इनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। एक किसके नाम से? रसखान रचनावली, जो एक रचना है इनकी रसखान रचनावली जो है उनकी एक भाषाओं का संग्रह है, इनकी कविताओं का संग्रह है जो कि रसखान रचनावली के अंतर्गत में पाई जाती हैं। किसके अंतर्गत? इनकी रसखान रचनावली के नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह है मिलता है, यानी कि इकट्ठा कर देते हैं उसमें एक नाम से संबोधित करते हैं। तो रसखान की कविता में भक्ति की प्रधानता है, क्योंकि ये भक्ति भाव करते थे, प्रेम श्री कृष्ण जी से जो है अत्यधिक प्रेम करते थे, उनकी भक्ति में लीन होना चाहते थे, उन्हें श्री कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु प्रिय थी। जो भी श्री कृष्ण किसी भी वस्तु को हाथ लगाते थे, उनका प्रयोग करते थे, तो सारी ये वस्तुएँ उन्हें जो है अत्यधिक प्रिय लगती थी। जैसे जो है बाग बगीचों में जाते थे, ताड़ में जाते थे बगैर, तो नदियाँ सरोवर इनमें जाते थे, घर घर पे जाते थे, और गैया चराने के लिए जो है श्री कृष्ण जी जाते थे, तो वे सारी चीज़ें जो हैं इनको अत्यधिक प्रिय है। किसको? रसखान जी को जो है अत्यधिक सारी वस्तुएँ इनके जहाँ जहाँ भी श्री कृष्ण जी जिनसे उनका आना जाना यानी कि वस्तु थी उनकी, वे सारी उनसे प्रिय थी। जैसे इसमें उनका रूप सौंदर्य, कितना सुंदर मनोहारी रूप होता था श्री कृष्ण जी का, और सिर पर जो है चंदे के लगा करते थे, मुकुट के ऊपर चंदा भी लगा विराजमान, इनके सिर के ऊपर रखते थे मोर का चंदा। तो मोर के चंदे से जिक्र आया बेटा, ये कहते हैं कि उससे माता यशोदा जो है श्री कृष्ण जी को चंदा इसलिए लगाती थी मुकुट के ऊपर कि उनके लल्ला को जो है किसी भी प्रकार की किसी की नज़र ना लगे। तो इसमें जो है चंदे का इसमें वर्णन किया गया है। उनकी वेशभूषा, पीठ वस्त्र जो उनके होते थे, बांसुरी, बाल क्रीड़ाएँ, उनकी कविता का जो है ये आधार हैं। ये ब्रज क्षेत्र, यमुना तट, वन बाग, पशु पक्षी, नदी पर्वत आदि के प्रति जो है गहरे प्रेम का भाव रखते थे। कौन? रसखान जी। क्योंकि जिन जिन को जहाँ जहाँ श्री कृष्ण जी जाते थे उन्हीं को जो है बड़े प्रेम से वे निहारते थे। कौन? रसखान जी। तो इसमें जो है रसखान जी के बारे में वर्णन किया गया है और उनके जो है रचनाओं के बारे में वर्णन किया गया कि उन्होंने अपनी रचनाओं में की जो है अंतर्गत क्या क्या दर्शाया गया है, उनकी रचनाओं में क्या क्या दर्शाया है। तो इसमें जो है रचनाओं में आगे जो है जैसे उन्होंने ब्रज क्षेत्र, यमुना तट आदि इनको सभी को बड़े प्रेम से, ध्यान से, भाव से देखा, इनके बारे में जो है अपने साहित्य में लिखा है। इन्हें श्री कृष्ण के बिना संसार में कुछ भी प्रिय नहीं था, ये हमेशा जो है श्री कृष्ण जी को ही निहारते रहते थे और श्री कृष्ण जी के बारे में जो है विचार मुग्ध हो जाते थे उनकी, जब हर वस्तु से जो है इनको अत्यधिक प्रिय थी। जैसे उनके प्रेम में गहनता यानी कि गहराई से, तन मन से अधिकता थी, यानी कि ये तन मन से गहराई से उनको मानते थे, उनके प्रेम में लीन थे, जिस कारण प्रत्येक पाठक को जो है गहरा प्रभावित करते थे और उनकी भक्ति में प्रेम श्रृंगार और सुंदरता का सहज जो है समन्वित रूप भी दिखाई देता था। बेटा रसखान जी जो है ये इन्होंने श्री कृष्ण जी के बारे में जैसे वर्णन किया है तो इसमें जो है उनमें अत्यधिक प्रेम सहानुभूति आदि जो है उसमें दर्शाई जाती थी, समन्वित रूप दिखाई देता था, यानी कि सुंदरता का सहज समन्वित रूप बीच में दिखाई देता था। उनके प्रेम में निश्चल प्रेम और करुण हृदय अतिरिक्त तो कुछ जो है नहीं है। इन्होंने श्री कृष्ण के बाल रूप के सुंदर सहज सवैये भी
लिखे हैं, किसके, श्री कृष्ण जी के बाल रूप का जो है सुंदर सवैया इन्होंने लिखा है। तो इसमें जैसे आगे आता है, ये साहित्यिक विशेषताएं में देंगे ना हम, कि रसखान जी ने जो है किस किस के बारे में, कि जैसे बाग वन और जो है बगीचे, यमुना नदी, तो ये सब इसके अंतर्गत, यानी कि साहित्यिक विशेषता के अंतर्गत। साहित्यिक विशेषता से बेटा आप जो है यहाँ पर क्या हेडिंग आ सकता है साहित्यिक विशेषता के कारण, यहाँ पर जो है एक हेडिंग आ सकता है काव्यगत विशेषताएं। क्या सकता है, काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत जो है यानी कि कविता की क्या क्या विशेषताएँ, क्या क्या, किस किस के बारे में इन्होंने इसमें वर्णन किया है, तो कविताओं के बारे में जो है ऐसे वर्णन किया गया है। तो इसमें जो है इसने, मैंने जैसे साहित्य विशेषता में बताया कि कृष्ण के प्रेम से लेकर जो है उनकी करुणा, हृदय, भक्ति प्रेम, श्रृंगार, उनकी सुंदरता, यानी कि इस तरीके के जो है इसमें साहित्यिक दर्शाया है इन्होंने। उनके बाग बगीचे से लेकर उनकी जितनी भी प्रिय चीज थी उनके बारे में गहनता से प्रयोग किया है, किसने, रसखान जी ने। तो इसमें जो है रसखान की भाषा उनके भाव के समान, इनके अगर हम भाषा शैली के बारे में बताएं तो उनकी भाषा जो थी कैसी कैसी थी, यानी कि रसखान जी की जो भाषा थी वो भाव के समान ही अति कोमल थी, बहुत ही कोमल स्वभाव से उन्होंने अपने साहित्य में लिखा है, बड़ी कोमल थी, बड़ी ही सहज थी, जिससे जरा सा भी बनावटीपन नहीं था उनकी भाषा में। बेटा रसखान जी की भाषा में जरा सा भी अगर हम देखें तो जरा सा भी बनावटीपन नहीं था। वे अपनी मधुर सरस और प्रवाहमय भाषा के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी भाषा बड़ी मधुर थी, सरस थी और एक तरीके से प्रवाह, जैसे हम बोलते हैं तो उसमें एक तरीके का, जैसे नदी बहती है तो उस तरीके का प्रवाह था। तो इनकी भाषा कैसी बताई गई है बताइएगा, इनकी भाषा जो थी बेटा बड़ी ही अति कोमल थी, उनमें जरा सा भी बनावटीपन नहीं था। वे अपनी मधुर सरस और प्रवाहमय भाषा के लिए प्रसिद्ध थे। उनके काव्य में शब्द इतने सरल और मोहक रूप में प्रयुक्त हुए हैं कि जो है वे झरने के प्रवाह के समान निरंतर पाठक को रस में डुबोते हुए आगे बढ़ जाते थे। कि जब पाठक, यानी कि पाठक कौन होता है पता है आपको, पाठक होता है पढ़ने वाला, कौन होता है पाठक, यानी कि पढ़ने वाला। जब पाठक इनकी कविताओं को पढ़ता था, आनंद लेता था, तो वो जो है इनके रस में भीग जाता था, इतना जो है मोहित हो जाता था एक तरीके से। तो यानी कि बड़ा ही पाठक को रस में डुबाते हुए आगे बढ़ जाते थे, रस में डूब जाता था, इतना अच्छी कविताएं लगती थी। इन्होंने अलंकारों का अनावश्यक बोझ अपनी कविता पर नहीं डाला, यानी कि कहने का तात्पर्य है इन्होंने जो है बोझ, अलंकारों का बोझ मानते, यानी कि इन्होंने अलंकारों का प्रयोग नहीं किया है अपनी भाषा में। रसखान जी ने अपनी भाषा में अलंकारों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया है, कहते हैं ना कि अलंकारों का बोझ इन्होंने अपनी भाषा पर नहीं डाला है। कवि मुहावरों का स्वाभाविक प्रयोग जो है विशेष सुंदरता प्रदान करने में समर्थ जो है सिद्ध हुआ है। इन्होंने, रसखान जी ने अपनी भाषा में मुहावरों का मार्मिक वर्णन किया है, उनको जो है मुहावरों से सुंदर बनाने का प्रयास किया। इन्होंने
कविता की रचना के लिए परंपरागत पद शैलियाँ का भी जो है अनुकरण नहीं किया। इन्होंने जो शैलियाँ होती हैं वर्णनात्मक शैलियाँ होती हैं उनका भी जो है इन्होंने अपने काव्य क्षेत्र में प्रयोग नहीं किया है शैलियों का भी। साथ साथ आप नोट पॉइंट करते जाइएगा बेटा, जिससे कि आपको आगे समय में याद आ जाए कि मैंने जो क्या क्या हमें पॉइंट बताए थे। क्या चल रहा माँ, ये पता है आपको भाषा शैली? भाषा शैली के बारे में आपको पूर्ण जानकारी दे रही हूँ। तो भाषा शैली के बारे में जो है आप विस्तार से देखेंगे, इन्होंने अलंकारों का जो है प्रयोग नहीं किया, अपनी कविता पर जो है बोझ नहीं डाला, और शैली का शैली जो होती है उनका भी इन्होंने वर्णन नहीं किया है। इन्होंने मुहावरों को स्वाभाविक रूप से जो है प्रयोग करके अपनी भाषा को जो है उनकी सुंदरता को बढ़ाया है। इन्होंने कविता की रचना के लिए परंपरागत पद शैलियों को अनुसरण नहीं किया है, यानी कि उनको प्रयोग में नहीं किया है। मुक्तक छंद शैली का जो है प्रयोग इन्हें प्रिय है, यानी कि छंद जो शैली है छंद इन्होंने वो अपनाया है मुक्तक छंद। क्या नाम है उसका? मुक्तक छंद। इनको जो है वो प्रिय भी है, छंद एक तरीके से इनको प्रिय है। कोमल कांत ब्रज भाषा में रचित रस खान की कविता स्वाभाविक विक्ता के गुण से जो है परिपूर्ण है, और इन्हें दोहा कविता सवैया छंदों का पूरा अधिकार है। मतलब सवैया छंद भी जो है इन्हें अच्छी तरीके से आते हैं, कविता और दोहा, तो ये छंद में जो है ये परिपूर्ण है। दोहा सवैया और जो है अगर आपसे पूछा जाए कि रसखान जी ने अपने काव्य में किन किन छंदों का प्रयोग किया है, तो आपको ये याद होना चाहिए दोहा कविता सवैया छंदों का जो इन पूरा अधिकार है, इन छंदों पर इनका जो है बेटा पूरा अधिकार है। तो ये जो है मैं जानकारी दे रही हूँ आपको भाषा शैली। निस्संदेह भाव और जो है भाषा के मणि कंचन प्रयोग ने जो है रस खान को रस की खान, किसकी? रस की खान, तभी तो इनका नाम रस खान रखा था ना, रस की खान के रूप में स्थापित कर दिया है। और उनकी जो है कृष्ण भक्ति, उनकी कृष्ण भक्ति प्रेम श्रेष्ठ काव्य और एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगी आपको, निसंदेह यानी कि किसी बिना संदेह भाव भाषा में मणिकंचन प्रयोग ने जो है रस खान को रस की खान के रूप में स्थापित कर दिया है। उनके कृष्ण भक्ति प्रेम और श्रेष्ठ काव्य पर जो है मुक्त होकर ठीक ही जो है कहा गया है। क्या कहा गया? इस मुसलमान हरिजन पे कोटिक हिंदू बारिये, कि ये जो हरिजन है मुसलमान है, कौन थे रस खान जी? कौन थे? एक मुसलमान परिवार से संबंध रखते थे, संबंधित थे, एक मुसलमान परिवार से जो है संबंधित थे। तो ये हरिजन यानी कि मैं कोटिक बहुत सारे हिंदू को नौछावर करता हूँ कि इस जैसा जो है एक रस की खान इनके अंतर्गत जो है ऐसी लय मैत्री जो थी वो संपन्न थी, जो कि इन्होंने ऐसी शिक्षा दीक्षा पाठशालाओं में भी ये नहीं गए हैं, वो सरस्वती ने इनकी जो है कंठ पर दे रखी थी एक तरीके से। तो ये बताया बेटा मैंने आपको आज रस खान के बारे में। एक लास्ट पॉइंट आता है आपका मृत्यु, कि रस खान जी की जो है मृत्यु कब हुई थी। तो जैसे मैंने आपको
बताया था कि रसखान जो है कृष्ण भक्ति काव्य के सुप्रसिद्ध कवि थे, जिनका जन्म 1548, सामने मैंने बोर्ड पे लिखा है 1548 ईस्वी में, जो है राजवंश में संबंधित एक सुप्रसिद्ध पठान के रूप में, पठान परिवार में दिल्ली में हुआ था, जो कि इनका पठान परिवार था और जो है वो दिल्ली में ही रहा करते थे। और इन्होंने जो है अपने साहित्य को सौंपकर, दुनिया वालों को सौंपकर सन 1628 ईस्वी के लगभग जो है, एक निश्चित समय नहीं दिया गया है, लगभग लगभग यानी कि आसपास इनके 1628 ईस्वी के लगभग इनका देहावसान हो गया था। किसका? रसखान जी का। तो ये बच्चा आप याद करेंगे अच्छी तरीके से, आपको कोई इनमें पॉइंट डाउट है तो आप देख लीजिएगा, मेरे से पूछिएगा, मैं आपको टाइम देती हूँ, आप कोई पॉइंट में डाउट है तो वो करिएगा। जी के तो आज के लिए जो है इतना ही, नाइन्थ क्लास के लिए लर्न एंड राइट।